जनपद फिरोजाबाद में श्रीमती गीता रानी सन ऑफ कोटम सिंह वर्मा ग्राम चितावली जी का कहना है कि वर्तमान में जिला महिला मोर्चा बहुत ज्यादा निष्क्रिय है। श्रीमती शकुंतला देवी वाइफ ऑफ विक्रांत राजपूत सिरसागंज इंटरव्यू के दौरान भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि मैं कई वर्षों से जिले के लिए संघर्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ता रही हूं, लेकिन सरकार ने और ना ही यहाँ के भाजपा जिला अध्यक्ष, भाजपा विधायक, भाजपा के सांसदों ने खराब पड़े नल व खुले पड़े नालों पर पटिया का भी प्रबंध नहीं कराया। सिरसागंज में कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर पानी के नल एवं 5 नंबर ट्यूबवेल का सही समय से पानी ना मिलने पर भाजपा नगर अध्यक्ष केशव गुप्ता व नगर पालिका परिषद में ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले जो चेयरमैन थे, क्या उन्होंने भी नालों के बारे में कोई जानकारी नहीं ली? सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कुछ प्रबंध किया जाए, यही जनता की सबसे बड़ी समस्या है। आज ग्राम चितावली शुक्रवार के पास आया हूँ और एक परिवार से मिलने आया हूँ। इस परिवार से आके जानते हैं बोली जी कैसी स्थिति रही और क्या क्या जानकारी देना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम गीता रानी राजपूत है। मैं गांव चितावली से बिलोंग करती हूँ और भाजपा की अत्यधिक प्रशंसक एक कार्यकर्ता हूँ। बाकी का जो मैं चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं होली का बहुत अच्छा पर्व रहा है, इसी बीच में मैं भी आपके मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ कि आपका होली का त्यौहार कैसा रहा। होली का जो त्यौहार है वो काफ़ी दिनों से शासन और प्रशासन के सहयोग से बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से पहले से तैयारी की गई है। कोतवाली थाना शुभाबाद के SO साहब की भी सक्रियता इसमें और भागीदारी रही है, जिससे पूरे गांव में पूर्ण शांति बनी रही और होली का त्यौहार आज बहुत अच्छे और खुशी के साथ मनाया गया। लोगों में प्रेम और सद्भावना है और कोई भी झड़प या किसी तरह का वाद विवाद इस बार नहीं होने पाया है। इसका सारा श्रेय योगी जी के को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतनी लोगों को सक्रियता और इतनी जानकारी दे रखी है कि उनके समय में कहीं भी कोई अप्रिय घटना ना हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।